अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2023 का सबसे कठिन समय शुरू होता है अब। वैसे पिछले साल सितंबर अक्टूबर महीने से बहुत सारी प्रिडिक्शंस की गई है 2023 के ऊपर, लेकिन आज 15 फरवरी है और आज से हम कह सकते हैं कि उस समय अंतराल में हम एंट्री ले चुके हैं। आज शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि में हुआ है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति वहीं पे है, लेकिन वहां पे शुक्र उच्च होते हैं तो ये लड़ाई होगी। ये सारी प्रेडिक्शंस आपको कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों में आपने सुनी होगी, लेकिन जब ये समय शुरू हो रहा है तो फिर से एक बार सचेत करना जरूरी था। शायद वहां पे अलग अलग प्रेडिक्शंस में आपने सुनी हो, देखी हो, यहां पे एक में सम्मिलित हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के घर में दैत्य गुरु का उच्च का होना, वैसे गुरु और शुक्र हर साल किसी ना किसी राशि में इकट्ठे होते हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हम नहीं कह सकते। लेकिन क्योंकि मीन राशि में हो रहा है और उसके उपरांत उसके आसपास क्या गतिविधियां होने वाली है ये भी देखना एक अनिवार्य बनता है। और मेष राशि में उसके कुछ समय के बाद अप्रैल के अंत भाग से देवगुरु बृहस्पति और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब चंडाल दोष बनेगा। काल पुरुष की कुंडली में कहे तो लग्न के भाव में बनेगा, भारत की कुंडली में कहे तो ये बारहवें घर में बनेगा। तो ये सारे घटनाक्रम जो बन रहे हैं तो आने वाला समय अक्टूबर के अंत भाग तक थोड़ा सा विपरीत दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि 2023 का ये सबसे कठिन समय विश्व के लिए, भारत देश के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी जब ये चंडाल दोष बनेगा थोड़ी सी ज्यादा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अब क्या हो सकता है? पिछले साल शायद अगस्त सितंबर से हम कह रहे थे कि हमें लगता है कि अप्रैल के आसपास ऐसी गतिविधियां बनेगी कि किसी नेता के द्वारा, धार्मिक नेता के द्वारा, धर्मगुरु के द्वारा कुछ ऐसे प्रकार के बयान आएंगे कि भारत में सामाजिक शांति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आएगी कई सारे प्रदेशों में। तो उसके आसपास की गतिविधियां अभी कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं कि ये चल रहा है। तो समय सामाजिक शांति को बिगाड़ने वाला भारत में रह सकता है, ये सबसे पहली चीज हो सकती है। दूसरा, क्योंकि देव गुरु के घर में दैत्य गुरु पावरफुल उच्च के हो रहे हैं, मतलब जो भी धार्मिक स्थान है और स्पेशली जो भी समुद्र के किनारे वाले धार्मिक स्थान है वहां पे किसी प्रकार की आपदा के संकेत दिख रहे हैं। हिमालय रीजन की बात करें तो वहां पे कोई बड़ी कुदरती दुर्घटना, मतलब नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर हिमालयन रेंज से शुरू करके ईस्टर्न पार्ट तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य आ जाएंगे, वहां पे खतरा हमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। अब कई लोगों को ये बिल्कुल मनगढ़ंत चीजें लगेगी। अब सोचिए, कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले हैं जब पुतिन साहब के लिए वो प्रिडिक्शन की गई थी कि देखिएगा कि आने वाले समय में ये खबरें देखने को और सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान अपने हथियार यूक्रेन को बेचने की कोशिश करेगा और उसके बाद विपरीत परिस्थितियां उनके लिए और बढ़ती जाएगी। ये समाचार अभी आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अभी आप आगे देखिए तो समय से पहले कुछ चीजें होती है। जितना हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभावना है। तो हिमालयन रेंज में कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर वाली घटना हो या फिर किसी प्रकार का मैन मेड डिजास्टर भी हम कह सकते हैं, वो हिमालयन रेंज से लेकर ईस्टर्न पार्ट तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो भी पट्टा है वो पूरा उसमें सम्मिलित होता है। वेस्ट की अगर हम बात करें, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन हुआ और कच्छ रीजन हुआ, वहां भी परिस्थितियां अक्टूबर तक विपरीत बनती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और उसके नीचे जो उसका सीमा विवाद चल रहा है वो वहां पे सरकारों को अब थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। वहां पे भी कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हुई नजर आ रही है।
साउथ के किसी राज्यों में अगर हम बात करें तो भाषा के विवाद के चलते या फिर धार्मिक विवाद के चलते टकराव की स्थितियां या फिर जलीय आफत वाली परिस्थितियां अक्टूबर तक होने की संभावनाएं बहुत प्रबल दिख रही है। तो भारत के लिए भी कुछ ना कुछ तो चीजें थोड़ी सी विपरीत बनती हुई दिख रही है। ये वो समय भी होगा कि जब दुनिया में आर्थिक मंदी तेजी से बढ़ती जाएगी, दुनिया के कई देशों में उसका कुछ असर भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमें लगता है कि बाकी की कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी येन गेन प्रकारण सस्टेन करने में तो या फिर स्ट्रांग इनफ वाले मार्किंग पॉइंट पे रहने में तो कामयाब हो जाएगी। ये जो समय अंतराल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप युद्ध वाली परिस्थितियां जहां पे युद्ध चल रहा है, मतलब रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात करें वो, या फिर साउथ चाइना सी, उस क्षेत्र के ऊपर से अब नजर मत हटाइएगा। यहां से अक्टूबर तक वहां पे कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे हम कह रहे थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें समय ठीक नहीं दिख रहा है, प्राकृतिक आपदा हो या फिर और कोई नया वॉर फ्रंट खुले, ये आप देख चुके। ये भी हमने कहा था कि भाई इसराइल के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, ये 2023 में कुछ बड़ा कर सकता है। ईरान के ऊपर हमला कर दिया और अभी भी हमें लग रहा है कि ये कुछ बड़ा होने से पहले एक प्रैक्टिस चल रही थी। तो बहुत सारे नए वॉरफ्रंट खुलते हुए भी आपको 2023 में नजर आएंगे, लेकिन उसके कारण सीधा तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, अब इतने सारे कमेंट्स हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, हमें नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध अभी निकट के समय में है, लेकिन उससे पहले वाली परिस्थितियां डेफिनेटली सर्जित होती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो समय काल एक थोड़ा सा विकट है और स्पेशली अप्रैल के अंत भाग से अक्टूबर तक इंडिविजुअल्स की बात करें तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हर किसी के जीवन में, क्योंकि आपका जो भी जन्मांक हो किसी न किसी भाव में ये चंडाल दोष बनेगा, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। मेंटल पीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल में कमी होना, अगर पहले से कोई आर्ग्यूमेंट या वाद विवाद वाली परिस्थितियां चल रही है तो वो अचानक से बढ़ जाना, तो पारिवारिक और अपनों के मामलों में आपको थोड़ा सा संभल के चलना, थोड़ा सा लेट गो करके मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि ये ग्रह की परिस्थितियों के कारण एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अगर संभल जाएंगे तो परिस्थितियों को मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे घटनाक्रम है कि अलग अलग प्रिडिक्शंस में हमने कहे थे कि ये सारे घटनाक्रम हो चुके हैं। आज 15 फरवरी जब इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहां से लेकर हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर तक, अक्टूबर के अंत भाग का जो समय है वो पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए भी कुछ मायनों में और इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली जब वो चंडाल दोष का समय बनेगा, ये एक विपरीत समय दिख रहा है 2023 का, सबसे कठिन समय हम कह सकते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली सिचुएशंस सुधरने लगेगी। तो एग्जैक्टली हम उसमें एंटर हो रहे हैं, तो ये वीडियो बनाना हमने उचित समझा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जो कुछ भी इस प्रिडिक्शंस के वीडियो में कहा गया है उसमें से कितनी चीजें किस तरह से और कब सही होती है। रुबेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।